हेलो एवरीवन वेलकम टू जैक एंड एंड द द इनफिनिट नॉलेज हब प्लीज वीडियो टिल लाइक नमस्कार विद्यार्थियों मैं अशोक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों पिछली क्लास में हमने पार्ट दो के अर्थ को समझा था आज हम पाठ दो के अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे पाठ दो के अभ्यास प्रश्न उत्तर पहला प्रश्न होता है उच्चारणम कुरुत अर्थात जो शब्द दिए गए हैं उनके उच्चारण करना है कस्मिश्चि विचित्य संस्त्र मनसाम सिंह पद पद्धति आवाहनम शुद्धार्थ एतः श्रुत्वा प्रतिध्वनि प्रश्न नंबर दो है एक पदेन उत्तर लिखता यानी जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर एक पद में देने शहस्य नाम किम शेर का क्या नाम था तो शेर का नाम था खरन खर शेर का क्या नाम था खरन खर दूसरा है गुहाया स्वामी का आशित गुफा का स्वामी कौन था तो ददी छ दधिपुंच नामक श्रृंगाल था तो दधी पुछ तीसरा प्रश्न है सिंह कश्मीन समय गुहाया समीपे आ शेर किस समय गुफा के पास में आया था तो सूर्यास्त समय सूर्यास्त समय जब सूर्य अस्त हो रहा था उस समय वह गुफा के पास में आया था हस्त पाद अधिकाह क्रियाम के सामना प्रवंते हाथ और पहा किसके कार्य नहीं करते हैं तो भय मनसाम भय शस्त्र मनसाम मन जो भयभीत मन वाले होते हैं उनके हाथ पांव काम नहीं करते हैं गुहा कैन प्रत्यय ध्वनि नाम गुफा किसकी आवाज से वापस प्रतिध्वनित हुई थी अतार्थ जोर से गुंजी थी तो सिया गर्जनेन गर्जनेन शेर की दहाड़ से सेह गर्जनेन शेर की दहाड़ से प्रश्न नंबर दो है पूर्ण वाक्यन उत्तर यानी जो प्रश्न दे रखे हैं इनके उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है इस्मा। खरन खर कुत्र पढ़ती वस्ती इसम खरन खर कहाँ रहता था तो कुत्र के स्थान पर हमें लिखना है कहाँ रहता था कस्मचिद वने कस्में चिद किसी वन में रहता था किसी वन में रहता था महती गुफाम दृष्टि सिंह किम अचित बहुत बड़ी गुफा को देख कर शेर क्या सोचता है शेर सोचता है नूनम एक गुहाया रात्रो अपि जीव को अपि जीव आगछति वह सोचता है निश्चित ही इस गुफा में रात के समय कोई जीव आता होगा अगला प्रश्न है हमारा श्रृंगाल किम अचिंत क्या सोचता है तो सियार क्या सोचता है सियार सोचता है अहो अहो वे नष्टो अस्मि नूनमेत गुहाये एक गुहाए, गुहाए अस्ति निश्चित ही अरे मैं नष्ट हो गया निश्चित ही इस गुफा में कौन है शेर है श्रृंगाल कुत्र पलाय से सॉरी कहाँ भाग गया सियार कहां भाग गया तो कुत्र के स्थान पर क्या जाएगा दूरम दूरम तो श्रृंगाल है वह दूर भाग गया गुहाया समीपम आगत्य गुफा के पास आकर के श्रृंगाल किम पश्यती सियार क्या देखता है तो गुफा के पास सियार क्या देखता है वह देखता है सिंह सिंह पद पद्धति शेर के पावों के निशान देखता है तो किम के स्थान पर क्या जाएगा सिंह पद पद्धति शेर के पावों के निशान देखता है क सोबते कौन शोभा पाता है क सोभते का अर्थ क्या होता है कौन शोभा पाता है यह यह अनागतम अनागतम कुरु ते सह सोबते जो आयु हुए संकट का प्रतिकार करता है वह शोभा पाता है यथा हमारा प्रश्न नंबर तीन इसके बाद है प्रश्न नंबर चार रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माण कुरुत यानि जो रेखांकित पद है उनसे अपन को प्रश्न निर्माण करना है सुदार्थ सिंह कुतरा भी आहरम न प्राप्तवान भूख से पीड़ित शेर ने क थोड़ा भी या कहीं से भी आहार प्राप्त नहीं किया भोजन प्राप्त नहीं किया तो सुदार्थ के स्थान पर प्रश्नवाचक क्या शब्द आ जाएगा कीदृश सुदर्श सुदार्थ के स्थान पर क्या आ जाएगा की दृश्य और लास्ट के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा दूसरा है दधिपुच नामक श्रृंगाल गुहा या स्वामी आशीत यानी दधिपुच नामक श्रृंगाल था वह गुफा का स्वामी था तो दधिपुच तो दधिपुच के स्थान पर क्या आ जाएगा दधिपुच के स्थान पर आ जाएगा क दधिपुच के स्थान पर क तीसरा है ऐसा गुहा स्वामीन सदा आह्वानम करोती यह गुफा हमेशा अपने स्वामी का आह्वान करती है तो स्वामीन नंबर तीन स्वामीन स्वामी का तो किस का तो यहाँ पर केम सबसष्टी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा कस्य यानी किसका आह्वान करती है गुफा हमेशा किसका आह्वान करती है अगला है भय संस्त्र स्तः मनसाम हस्तपादिका क्रिया न प्रवते जो भयभीत मन वाले होते हैं उनके हाथ और पांव कभी भी क्रिया नहीं करते हैं तो यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग शब्द किम शब्द स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग इसका बना सकते हैं कहा आगे है हमारा आह्वान श्रृंगाल बिले प्रवेश भोज्य भविष्यंति आह्वान से श्रृंगाल बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन हो जाएगा तो बिले तो बिले शब्द का लिए प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है तो जहाँ पर स्थानवाचक शब्द हो तो वहाँ पर हम कुत्र का प्रयोग करते हैं तो बिल के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे कुत्र का प्रयोग करेंगे फर्स्ट में होगा कीद्रस, दूसरे में है क तीसरे में होगा कस्य चौथे का का और पांचवे का कुत्र। अगला प्रश्न है हमारा घटना क्रम अनुसारेण वाक्या लिखता यानी जो इसमें वाक्य है वह सही क्रम में घटना के अनुसार हमें बताना है तो नंबर तीन वाक्य है यह एक पे आएगा परिभ्रमण सिंह सुधार तो जाता भूख से पीड़ित शेर इधर उधर घूमता है फिर नंबर दो है आ, उसमें है आपके रहेगा सिंह एकाम महति गुआम अपश्य अर्थात इसके बाद शेर एक गुफा को देखता है शेर एक गुफा को देखता है इसके बाद नंबर तीन पे हो जाएगा गुहाया स्वामी ददिपुच नामक श्रृंगाल समागत यानी गुफा का स्वामी ददिपुच नामक श्रृंगाल पास में आ जाता है यह तीन में रहेगा नंबर चार नंबर चार में रहेगा गुहया को अपी अस्ति इति श्रृंगाल से विचार गुप्पा में कोई है ऐसा श्रृंगाल ने सोचा या फिर उसका विचार उसने विचार किया ये नंबर चार पे होगा नंबर पाँच पे रहेगा आपकी दूर स्तः श्रृंगाल रहु कर्तुब आरब्ध दूर से ही श्रृंगाल आवाज़ करना प्रारंभ कर देता है यह आपके नंबर पाँच पे रहेगा नंबर छह रहेगा से श्रृंगाल से आह्वान अकरोत से श्रृंगाल का आवाहन करता है और नंबर सात रहेगा दूरम प्लायमान श्रृंगाल श्लोकम अपठत दूर भागता हुआ श्रृंगाल श्लोक पढ़ता है यह नंबर सात पे रहेगा इसके बाद है अपना अंतिम क्वेश्चन वह है सॉरी अगला क्वेश्चन है हमारा यथा निर्देशनम द निर्देशन के अनुसार उत्तर दीजिए एक महती गुफाम दृष्टि स अचिंत एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर वह सोचता है अस्मिन वाक्य इस वाक्य में कति विशेषण पदानी कितने विशेषण पद है संख्या या सह पदानी अपि लिखित संख्या के साथ में पदों को भी लिखी तो इसमें विशेषण यानी जो किसी की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण करते हैं तो काम एक महतिम बहुत बड़ी तो ये दो विशेषण पद है तो इसमें हो जाएगा पहला एकाम और दूसरा हो जाएगा इसमें महतिम महतिम यस yes, दूसरा है पसंद तद अहम अस्य आह्वानम करोमि तो मैं इसका आवाहन करता हूँ अहम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है तो यहाँ अहम पद कस में प्रयोग किसके लिए प्रयोग हुआ तो सिहाय शेर के लिए सिहाय शेर के लिए के लिए के अकॉर्डिंग कौन सी चतुर्थ विभक्ति लगाते हैं के लिए कारक के तहत तो यहाँ जाएगा यदि तो हम यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगी अस्मिन वाक्य कर्ता पद केम यानी पद है अर्थात कर्ता पद क्या है तो इसमें कर्ता पद है तवम कर्ता पद क्या है त्व इसके बाद आगे है सिंह पद पद्धति पदतिगुहाँ अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं केम तो इस वाक्य में क्रियापद क्या है तो दृश्यते इसमें क्रिया है दृश्य यह इसमें क्रिया है वने अत्र संस्थयस्य समागता जरा अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम इस वाक्य में अव्यय पद क्या है तो यहाँ अत्र शब्द आया है यह अत्र क्या है अव्यय है अत्र तो पहले में होगा एकामहति, महति दूसरे में होगा सिहाय तीसरे में होगा त्वम चौथे में होगा दृश्यति पांचवे में होगा अत्र फिर अगला क्वेश्चन है हमारा मंजूसात अव्यय रिक्त स्थानी पूरी यानी जो मंजूसा में अव्यय शब्द दिए गए हैं आ, उनका चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है एकस्मिन वने एक वने तो पहले में हो जाएगा कश्चन कश्चन व्याग्रह, व्याध यानी शिकारी जालम यानी जाल को विस्तारिय फैलाकर दूरी यानी दूर स्थित बैठ गया एक शिकारी है आ वह जाल को फैलाकर दूर बैठ गया क्रमशः इसी प्रकार से लगातार आकाशात आकाश से सपरिवार अपने पूरे परिवार के साथ कपोतराज कबूतरों का राजा कपोतराज कबूतरों का राजा नीचे नीचे आ छत नीचे आ गया कबूतरों का राजा कहां आ गया नीचे आ गया यदा यदा यानी जब कपोत राज कबूतरों का राजा तंडुलान चावलों को अपस्यन देखा तदा तब तेसाम लोभ हो जाता उन सभी को लोभ हो गया जब सभी कबूतरों ने चावलों को देखा तो उनको क्या हो गया चावलों को खाने का लोभ हो गया परम राजा सहमत न अस्ति, लेकिन राजा सहमत नहीं था तस्य युक्तिम अस्ति, उसकी युक्ति थी उसकी युक्ति थी यदि यहाँ आ आएगा यदि यदि वने वन में को अपी मनुष्य नास्ति कोई भी मनुष्य नहीं है कोई भी मनुष्य नहीं है यहाँ आपके तहीर आएगा शब्द तहीर तहीर तो तहीर तो कुतः तंडुलान संभव चावल कैसे संभव है जब इस वन में कोई मनुष्य है ही नहीं तो चावल कहाँ से आए या फिर कैसे संभव है इसके बाद परम लेकिन परम का अर्थ होता है लेकिन राज्य उपदेशम अस्वीकृत राजा के उपदेश को अस्वीकार करते हुए कपूतान कबूतर तंडुलान खादी तुम चावलों को खाने के लिए प्रवर्ता प्रवर्त हो गए उत्साहित हो गए जाले और जाल में जाले च और जाल में निपतिता फंस गए और कहाँ फंस गए जाल में फंस गए अतः इसलिए उक्तम कहा गया है सहसा सहसा अचानक से या फिर जल्दबाजी से विदिदीप न क्रियाम कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए तो इस कहानी के अंदर जो हमारे शब्द दिए गए हैं यह इसी क्रम के अंदर इसके अंदर आएंगे तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने पार्ट दो के अभ्यास प्रश्न उत्तर की धन्यवाद थैंक यू फॉर वॉचिंग दीडियो इंस्टाग्राम ट्विटर एंड एंड एज जिल फॉर मोर यू कैन ऑल्सो डाउनलोड एंड जिल अकेडमी फ्रॉम प्ले स्टोर फॉर ऑनलाइन कोर्सेज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एन टी एस सी एन क्लैट JEE, NEET, and multi activities like yoga, art and craft, dance, music, self defense, and many more.